न पूछो कि जा चुम लेंगे। बोले बोले बचल के सुभान अल्लाह कीजे न पूछो कि जा चुम लेंगे। ये न पूछो कि जा चुम लेंगे। बाग जन्नत का नक्शा चुम लेंगे। बाग जन्नत का नक्शा चुम लेंगे। लेके तक उनका नूरानी रोजा चूम लेंगे। ये न पूछोगी क्या जा चूम लेंगे। हकीकत ये है कि मैं आपको जिंदा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि पहले राउंड में मैंने देखा था आपने बड़ी खामोशी से काम लिया। हजरत का खिताब होना है, इसकी वजह से मैंने ये मतलब पढ़ा है ताकि आप बेदार हो जाए। पेश करता हूँ एक शेर बतौर खास की मरहबा सल्ले अल्लाह। अरे बोलिए आप भी थोड़ा बदल के बोलते सुभान अल्लाह। की मरहबा सल्ले अल्लाह आए महबूबे खुदा। मरहबा सल्ले अल्लाह आए महबूबे खुदा। गोद में लेके उन्हें बिहली मान कहा। गोद में लेके उन्हें बिहली मान कहा। मरहबा सल्ले अल्लाह आए महबूबे खुदा। मरहबा सल्ले अल्लाह आए महबूबे खुदा। गोद में लेके उन्हें बिहली मान कहा। इस तरह इनका झूला झूलाऊंगी मैं। इस तरह का झूला झूलाऊंगी मैं। इस तरह इनका झूला झूलाऊंगी मैं। जिब्राइल आके झूला चूम लेंगे। ये न पूछोगी क्या क्या चूम लेंगे। ये न पूछोगी क्या क्या चूम लेंगे। और आखिरी शेर पढ़कर अपनी जगह लेता हूँ बतौर खास मुलाजा करें कि बोले जहरा के ललन। अरे अब तो बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले जहरा के ललन मेरे भाई हसन। आओ देखें तो जरा कहाँ है फख्र जमन। आओ देखें तो जरा कहाँ है फख्र जमन। बोले जहरा के ललन मेरे भाई हसन। आओ देखें तो जरा कहाँ है फख्र जमन। बोले जहरा के ललन मेरे भाई हसन। आओ देखें तो जरा कहाँ है फख्र जमन। उनके कांधे पे बैठे के वो जिस घड़ी। उनके कांधे पे बैठे के वो जिस घड़ी। उनके कांधे पे बैठे के वो जिस घड़ी। दोनों भाई को नाना चूम लेंगे। ये न पूछो भी क्या क्या चूम लेंगे। ये न पूछो बस खामोश रहे आप हजरात खामोश रहे। फिर आपके सामने पेश किया जाएगा और जी भर के आपको जो है कि सुनाया जाएगा।